चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, इन सभी रेसिपीज़ की जान होता है और साथ में बच्चों का तो फेवरेट होता है। तो आज हम वही मोज़रेला चीज़ बनाने जा रहे हैं। घर पे बहुत आसानी से और मार्केट से भी बढ़िया बनेगा और सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए हमें। तो चलिए शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 लीटर गाय का दूध लिया है और आप चाहें तो भैंस का दूध भी ले सकते हैं या पैकेट वाला दूध भी ले सकते हैं, लेकिन दूध कच्चा लेना है, ये ध्यान रखें। अब मैं दूध को यहाँ पे गर्म करने के लिए चढ़ा रही हूँ गैस पे, और दूध को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे यहाँ पे, सिर्फ इतना गर्म करेंगे कि हम इसमें जब अपनी अंगुली डालें तो हमारी अंगुली उस गर्म दूध को सहन कर सके। यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर पे दूध को गर्म नहीं करना है, सिर्फ गुनगुने से हल्का सा ज़्यादा दूध को गर्म करना है। तो इस बात का बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान रखना, ये सबसे मेन टिप है इसका चीज़ बनाने का। तो दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे 1/4 कप विनेगर लिया है। विनेगर को मैं थोड़ा थोड़ा करते हुए दूध में ऐड करूँगी और लगातार दूध को किसी भी चम्मच से हिलाती रहूँगी। एक साथ पूरा विनेगर नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए विनेगर दूध में ऐड करते रहेंगे। और देखिए, बहुत ध्यान आपको यही रखना है कि दूध ज़्यादा गर्म ना करें, बिल्कुल थोड़ा सा गर्म करना है, गुनगुना सा हो जाए उस थोड़ा सा ज़्यादा। आप अंगुली डाल के देख लीजिएगा, जब आपकी अंगुली उसको दूध को सहन कर पा रही है, बस इतना ही गर्म करना है दूध को। और अब देखिए, पनीर जो चीज़ है वो दूध से अलग होना शुरू हो गया है। आप जब दूध को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेते हैं तो फिर उससे पनीर बनता है, चीज़ नहीं बनता। और चीज़ और पनीर में डिफरेंस क्या होता है कि जब भी आप चीज़ को गर्म करते हैं तो चीज़ मेल्ट होता है, उसमें इलास्टिसिटी बढ़ती है और वो मेल्ट होता है, लेकिन पनीर के साथ में ऐसा नहीं होता है। जब आप उसको गर्म करते हैं पनीर को, तो फिर वो मेल्ट नहीं होता। तो इतना फ़र्क होता है चीज़ और पनीर में। तो देखिए, ये चीज़ हमारा दूध से बिल्कुल अलग हो चुका है। और अब 1-2 मिनट के लिए इसी बर्तन में इसको छोड़ दूंगी मैं। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आप एक भी स्टेप जो है वो स्किप करेंगे तो फिर चीज़ अच्छे से नहीं बनेगा। अब मैंने एक बर्तन लिया है, बर्तन में छलनी रखी है, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कॉटन का साफ कपड़ा। अब जो पनीर जो चीज़ था उसको हम हैंकी में इसमें डाल रहे हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है चीज़ का वो बाहर निकल जाए, और अच्छे से हाथ से दबाते हुए पूरा एक्स्ट्रा पानी जो भी है चीज़ में उसको बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से हाथ से आप दबाते रहें इसको, ताकि जो भी एक्स्ट्रा दूध है, एक्स्ट्रा पानी है, वो सारा बाहर निकल जाए। और ये जो पानी है चीज़ का, इसको आप कभी भी फेंकिए मत, क्योंकि ये बहुत पौष्टिक, बहुत गुणकारी होता है। इसको आप कुकिंग में काम ले सकते हैं, जैसे इससे आटा गूंथ सकते हैं, या जब आप सब्जी बना रहे हो तो उसकी ग्रेवी बना सकते हैं इससे। तो ये बहुत हेल्दी होता है, इसको कभी भी फेंकिए मत। और अब ये जो चीज़ बॉल है इसको मैं कपड़े में से बाहर निकाल लेती हूँ। और ये जो पानी है इसको साइड में रख देते हैं, इसको मैं बाद में कुकिंग वगैरह में काम में ले लूँगी। इसे आटा लगा लूँगी और सब्जी की ग्रेवी तैयार कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे एक बॉल लूँगी और फिर से चीज़ को हाथ से अच्छे से दबाते हुए, और इसका जो भी एक्स्ट्रा दूध है उसको निकाल लूँगी हाथ से दबाते हुए। देखिए, अभी भी इसमें दूध निकल रहा है कितना सारा। अब मुझे यहाँ पे लेना है गुनगुना पानी 1.5 से 2 गिलास। और अब मैं ये जो चीज़ बॉल है इसको पानी में डिप करते हुए और इस तरीके से दबाते हुए हाथ से इसका ये प्रोसीजर करूँगी। और ये मैं 7-8 मिनट के लिए करूँगी पूरा प्रोसीजर। जो भी है, पानी में डिप करेंगे चीज़ को, उसके बाद उसको बाहर निकालेंगे हाथों से दबाते हुए इस तरीके से, उसका जो भी एक्स्ट्रा दूध वगैरह है उसको बाहर निकालेंगे। और ये पूरा काम हमें 7-8 मिनट के लिए करना है। बस पानी में डिप कीजिए इसको, बाहर निकालिए और फिर हाथ से इसको दबाते हुए, स्क्वीज़ करते हुए इसका जो दूध है उसको बाहर निकालिए। और गुनगुने पानी में वो प्रोसीजर करने के बाद में अब मैंने यहाँ पे लिया है ठंडा पानी। ठंडा मतलब टैप वाटर लिया है मैंने नॉर्मल, और वो भी मैंने 1.5-2 गिलास लिया है। अब फिर से वही का वही प्रोसीजर उतने ही टाइम के लिए मैं ठंडे पानी में करूँगी।
पानी में डिप करूंगी चीज़ को, बाहर निकालूंगी और उसको हाथ से इस तरीके से दबाऊंगी। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा विनेगर या एक्स्ट्रा दूध का जो भी इसमें बचा हुआ टेक्सचर है वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। और चीज़ बॉल बिल्कुल रेडी है हमारा। अब मैं एक प्लास्टिक की साफ़ पॉलीथिन ले रही हूँ, इसमें चीज़ बॉल को अच्छे से रैप करूँगी और इसको करीब 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। आप चाहें तो जो जिप लॉक पाउच आते हैं उसमें भी इसको अच्छे से बंद करके और फ्रीज़र में रख सकते हैं। 2 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रखेंगे और करीब 2 घंटे बाद में जो चीज़ है वो हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। और देखिए, मैं आपको इसको ग्रेट करके भी दिखाऊंगी, इसको कुक करके भी दिखाऊंगी और आप खुद देखिएगा कितने अच्छे से बनता है, ये मार्केट जैसा बनता है बिल्कुल, और हेल्दी बनेगा, प्लस इसमें हाइजीनिक है और प्योरिटी की भी पूरी गारंटी है। तो जब आप एक बार इसको बनाएंगे तो मैं गारंटी ले रही हूँ आप फिर कभी भी मार्केट से चीज़ नहीं खरीदेंगे, हमेशा इसको घर पे ही बनाएंगे और बनाना आसान भी बहुत है इसको। चलिए इसको ग्रेट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना अच्छे से बन के तैयार हुआ है। और अब इसको कुक करके भी दिखाऊंगी मैं। मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, उन पे टोमेटो केचप स्प्रेड किया है। अब मैं इसमें स्प्रिंग अनियन स्प्रेड कर रही हूँ थोड़े से, और साथ ही डाल रही हूँ थोड़ी सी कटी हुई बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और थोड़ा सा डालूँगी बारीक कटा हुआ टमाटर। और थोड़ा सा इस पे नमक डालूँगी मैं, साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर भी डालूँगी। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा होममेड मोज़रेला चीज़ डालते हैं इसके ऊपर, और पकने के बाद में देखिएगा आप कितना अच्छा बनेगा, ये बहुत अच्छा बनता है, इसकी इलास्टिसिटी देखिएगा आप। अब इसको मैं लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकाऊंगी, और 5 मिनट ढक्कन लगा के पकाने के बाद में चीज़ देखिए कितना अच्छे से मेल्ट हुआ है, और इसकी इलास्टिसिटी देखिए आप, देखिए कितना अच्छा बना है ना, बिल्कुल मार्केट के जैसा, और बिल्कुल शुद्ध बिल्कुल साफ़ सुथरा सफाई से बनाया हुआ। तो शुद्धता और प्योरिटी की गारंटी के साथ में मोज़रेला चीज़ घर पे बना के तैयार है। तो आप भी बनाइए, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कैसा बना, वैसे बहुत अच्छा बनेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय, स्टे कनेक्टेड।